Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें पूछ रहा है कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है. ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गोवा. तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपने टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश. जो सांची का स्तूप है वो आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है. तो यहाँ आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यानी सांची का स्तूप का निर्माण जिसने करवाया था वो कौन था. चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या अजातशत्रु. तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अशोक. सांची का जो स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक महान ने करवाया था मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद या चंद्रगुप्त मौर्य. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी. इन्होंने नंद वंश के अंतिम संस्थापक घनानंद की हत्या की, उसके बाद ये मौर्य वंश के संस्थापक बने. इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शक संवत का प्रवर्तक कौन था, यानी शक संवत जो है हमारा जिसपे हमारा राष्ट्रीय पंचांग बना हुआ है उसके प्रवर्तक कौन थे, विक्रमादित्य, चाणक्य, कनिष्क या पुलकेशिन द्वितीय. तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि शक संवत के प्रवर्तक जो है वो है कनिष्क. सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है, चरक को, पतंजलि को, गौतम को या धन्वंतरी को. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आयुर्वेद के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके चरक. यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, यानी इतिहास के जनक जो है वो कौन कहलाते हैं. तो यहाँ आपके ऑप्शन है पायान, ह्वेनसांग, सेल्यूकस या हेरोडोट्स. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चरक संहिता किसकी रचना है, जयदेव की, नागार्जुन की, कल्लड़ की या चरक की. तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए किसकी रचना है, ये चरक की रचना है. चरक संहिता चरक की रचना है और इसमें इन्होंने क्या किया है, औषधि शास्त्र से रिलेटेड है, यानी औषधि शास्त्र से रिलेटेड ये प्राचीनतम रचना है चरक संहिता, जिसकी रचना चरक ने की है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद. तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन. जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में आया था और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था. सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेघास्तनी वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था. तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप, पाटलिपुत्र, वत्स या अवंती. तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असम का प्राचीन नाम था कामरूप. पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है, पटना का. वत्स इलाहाबाद का प्राचीन नाम है और अवंती जो है वो मालवा का प्राचीनतम नाम है. तो यहाँ मैंने सभी के प्राचीनतम नाम आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है, यानी बुद्ध चरित जो रचना है वो किसकी रचना है, बाणभट्ट की, हरिशयण की, अश्वघोष की या पतंजलि की. तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, ये जो रचना है ये अश्वघोष की रचना है. बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना अश्वघोष ने की थी. यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने, अश्वघोष ने, आर्यभट्ट ने या हरिशेण ने. तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी. बाणभट्ट में हर्षचरित, बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, उसमें बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखा, यानी हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है. तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, या कुमारगुप्त ने. तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था, यानी जो डिस्ट्रॉय किया था, वो मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है,
तुलसीदास की, रामानंद की, कालिदास की या विष्णु शर्मा की? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेघदूत कालिदास की रचना है। कालिदास जी ने मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभो जैसी रचनाएं की हैं। तो मेघदूत भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गौरी के, ऐबक के या कनिष्क के? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि नवरत्न किसके शासनकाल से रिलेटेड थे, संबंधित थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से रिलेटेड थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हरिषेण किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, रुद्रदामन प्रथम के, समुद्रगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिषेण समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी कवि थे और इन्होंने स्कंदगुप्त की रचना की है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन, सॉरी, हरिषेण ने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम, कपिल, चार्वाक या पतंजलि? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, योग दर्शन के संस्थापक हैं आपके पतंजलि, जिनके नाम से आजकल पतंजलि के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि धन्वंतरी किसके दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? यानी धन्वंतरी जो थे बहुत ही फेमस चिकित्सक थे, तो किनके दरबार से रिलेटेड थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, नागदशक या अजातशत्रु? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष, विष्णु शर्मा, वराह मिहिर या जयदेव? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचतंत्र जो रचना है वो विष्णु शर्मा की रचना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? जयदेव की, बाणभट्ट की, धन्वंतरी की या वात्स्यायन की? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है। तो इस वीडियो में हमने टोटल टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइए कि इन टॉप 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।